नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्सटबुक सुबह कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक लेकर मैं आप सभी के बीच आया हूं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंपॉर्टेंट रिवर वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया एंड द रिलेटेड ट्राइब्यूनल। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार एग्जामिनेशन में बड़ा ही शानदार सवाल आया, जहां पे बोला गया कि अलग अलग इंटर वॉटर सॉरी इंटर स्टेट रिवर वॉटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स को सीक्वेंस में जमाइए। ओके, इफ यू हैव सीन, देयर वाज अ क्वेश्चन टू अरेंज द डिफरेंट इंटर स्टेट वॉटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल इन अ सीक्वेंस। सो दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन एंड इन द फ्यूचर ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू द यूनिट नंबर 8। ओके, और लेट्स से वी कैन से स्पेशली यूनिट नंबर 8 या फिर यूनिट नंबर 7 से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज ट्राइब्यूनल के बारे में या फिर इंटर स्टेट रिलेशंस विच इज पार्ट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। ओके, भारत में संघवाद। तो ये जो क्वेश्चन आया गया है, ठीक है, सो आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फ्यूचर, वो सब मैं इस क्लास में कवर करवाऊंगा। सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस सेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल एंड। ओके, शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेक श्योर यू मस्ट हैव सब्सक्राइब टू द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल एंड दीज आर द फ्री क्लासेस टाइमिंग। ओके, आपके फ्री क्लासेस टाइमिंग यहां मेंशन है, YouTube पे जो फ्री क्लास होती है और टेक्स्टबुक ऐप पर जो फ्री क्लास होती है उसकी टाइमिंग मेंशन है। एंड दिस इज द YouTube चैनल एंड इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप वेयर यू विल बी गेटिंग ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग द क्लासेस, डिस्कशन, क्विज, पोल, एवरीथिंग। ओके, आपके जो भी क्लास होती है उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ आपको इस ग्रुप पे मिलेगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन वॉज दैट दिस इन दिस कैंसिल्ड एग्जामिनेशन। ओके, जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें सवाल आया कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को कालक्रम में जमाइए। ओके, टू अरेंज दीज इंटर स्टेट ट्राइब्यूनल, गोदावरी, महानदी, रावी, बीन्स, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, महादई वाटर डिस्प्यूट, सो इन ट्राइब्यूनल्स को आपको सीक्वेंस जमाना था। आंसर तो चलिए बहुत सिंपल है, गोदावरी से आपको मिली गया होगा। सबसे फर्स्ट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल वॉज गोदावरी डिस्प्यूट, सो उसी से आंसर मिल गया। ए पहला वाला ऑप्शन था, उससे इजिली आंसर मिल गया। ठीक है, बट वी लाइक अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो दे कैन इवन आस्क सम अदर थिंग्स रिगार्डिंग दिस इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट, जैसे ट्राइब्यूनल एवरीथिंग। ओके, सो अंतर राज्य नदी विवाद ट्राइब्यूनल्स और या फिर नदी विवाद समस्याएं जो है उसके बारे में हमको अच्छी जानकारी रखने की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सम इंपॉर्टेंट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। ओके, भारत के जो महत्वपूर्ण रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है उनके बारे में बात करेंगे। अंतर राज्य, ओके, अंतर राज्य इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स कहां कहां है वो जरा हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ऊपर से, फ्रॉम द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, रावी बीन सतलुज बिटवीन पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। पंजाब हरियाणा, अच्छा दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन, देखें आस्क यू मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखें राइट द नेम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, सॉरी डिफरेंट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एंड रिलेटेड स्टेट्स। सवाल आ सकता है कि अलग अलग रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के नाम लिख दे, मान लीजिए रावी बीन बिस्तरी वाटर डिस्प्यूट लिख दिया, नर्मदा डिस्प्यूट लिख दिया, महादेव डिस्प्यूट लिख दिया, कृष्णा डिस्प्यूट लिख दिया, गोदावरी लिख दिया, कावेरी डिस्प्यूट लिख दिया। देखें राइट ask you to match them with the specific states, okay, कौन सा किस राज्य से संबंधित है। तो आपको यह भी रखना है कौन सा डिस्प्यूट में कौन से राज्य शामिल है। okay, which dispute is related to which specific states, ravi means पंजाब हरियाणा राजस्थान, नर्मदा स्टेट एमपी गुजरात महाराष्ट्र, मंदोई या फिर महादई। okay, where गोवा कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। okay, fine, so यहां पे then उसके बाद कृष्णा रिवर इज बेसिकली बिटवीन महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, कृष्णा रिवर को लेकर महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक में, देन पेरियार रिवर को लेकर तमिलनाडु एंड केरला के बीच में कंसर्न है। देन ऐसे ही नीचे आते हैं कावेरी रिवर विच इज अ फेमस इंटर वाटर डिस्प्यूट जो कि काफी लंबे वक्त से चले आ रहा है, अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, कर्नाटक तमिलनाडु केरला पॉन्डिचेरी स्पेशली, इट इज बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ओके, कर्नाटक तमिलनाडु का मेजर इशू है जहां पे हम क्षेत्रवाद भी देखते हैं रीजनलिज्म को। देन गोदावरी डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका उड़ीसा मध्य प्रदेश। ओके, सो गोदावरी बेसिन पूरा आता है यहाँ पे एंड वामा शाद्रा, ओके सॉरी वरा शाद्रा बेसिकली जो आपका रिवर है आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। सो दीज आर द मेजर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। ये मुख्य तौर से भारत में अंतर राज्य नदी समस्याएं हैं, डिस्प्यूट्स हैं, बेसिकली समस्याएं हैं जो प्रतिशोध है अलग अलग स्टेट्स के बीच में चल रहे हैं। नाउ What are the constitutional provision for in India for dealing with these river water disputes? Okay, तो ये नदी basically नदी घाटी समस्या है, फिर अंतर्राज्य नदी dispute जो है उनके मामले में भारतीय संविधान क्या कहता है उस पर हम ध्यान देंगे and then we will talk about the different tribunals. Okay, तो one by one चलते हैं, पहले dispute समझ लिए, यहां से भी question आ सकते हैं कौन सा dispute किस area से, कौन सा dispute में कौन सा राज्य, ये याद रखना है। Now moving forward, constitutional provision, पहली बात तो
रिवर जो है वो इट इज पार्ट ऑफ द स्टेट, ओके, वाटर सप्लाई, इरिगेशन कैनल, दीज थिंग्स, ड्रेनेज, एम्बार्कमेंट, वाटर स्टोरेज, ये सब जो चीजें हैं वो राज्य सूची में आता है, ओके। नाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि कौन सी चीजें राज्य सूची में आएंगी, कौन सी संवर्ती सूची में आएंगी, तो आपको ये भी याद रखना है। नाउ अलॉन्ग विद दैट, संघ सूची में क्या दिया गया है यूनियन लिस्ट में, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट वाटर, ओके। सो इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली, अंतर राज्य नदियां और नदी जो वैली है उसके एक्सटेंशन के रिगार्डिंग जो है पार्लियामेंट के पास पावर, इट मींस के सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। सो संघ सूची में जो अंतर राज्य नदियां हैं और नदी घाटियां हैं उनके विनिमय करने का काम जो है संघ सूची में डाला गया, इट मींस कि यूनियन गवर्नमेंट, एंड ये सब जो है सिंचाई नहर ये सब जो काम है वो राज्य सूची में। सो ऑब्वियसली डिस्प्यूट होगा बिकॉज स्टेट विल से कि ओके वी कैन यूज एज मच एज अमाउंट ऑफ वाटर वी वांट, ओके। एक राज्य बोलेगा मैं जितना पानी चाहूं मैं यूज कर सकता हूं, राज्य सूची में नदी आती है, सीधी बात है, नदी नहरें इनको संचालित करना। केंद्र सरकार बोलेगी नहीं ये अंतरराज्य नदियां हैं तो इसमें हमको डिसाइड करना पड़ेगा, सो ऑब्वियसली देयर विल बी डिस्प्यूट, ओके। तो उस मामले में सीधी बात है मुद्दा जाता है संसद के पास या फिर बोल सकते हैं केंद्र सरकार के पास। सो आर्टिकल 262 क्या कहता है कि इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट के मामले में पार्लियामेंट में भी लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन, ओके। पार्लियामेंट जो है मैटर को सुलझाने के लिए, लड़ाई को सुलझाने के लिए लॉ बना सकती है, एंड पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट कैन एक्सरसाइज द एडजुडिकेशन, ओके। पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड दैट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट्स, ओके। तो ये है पार्लियामेंट्री पावर, वी कैन से कि मेजरली फॉर रिजॉल्विंग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पार्लियामेंट हैज द मेजर पावर हियर, ओके। राष्ट्र भारत की संसद जो है मेजर पावर रखती है। नाउ इसके अलावा जो रूल्स बनाए गए हैं पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म क्या क्या है एज पर आर्टिकल, सो इस आर्टिकल के तहत संसद ने क्या क्या नियम बनाया। पहली बात तो रिवर्ड बोर्ड एक्ट बनाया गया इन 1956 विच हैज Till date, there is no such river board has basically been created. Okay, so river board act जरूर आया, परंतु उसके तहत कोई भी interstate, अंतर्राज्यीय नदी बोल सकते हैं परामर्श या फिर बोर्ड वगैरह नहीं बनाए गए। But interstate water dispute act, this is important. Okay, ये काफी महत्वपूर्ण है। This came alongside with the reorganization of state act 1956. अगर आपको याद होगा राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसके बारे में आपको पढ़ाया है, जहां पे भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, ओके, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, वहीं पे उसके साथ पे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट भी पास हुआ, जहां से ट्राइब्यूनल बनाने की बात की गई, ओके। सो फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर ट्राइब्यूनल वॉज बेसिकली बीन सजेस्टेड हियर, ओके, कि राज्यों के मामलों में अंतर राज्य नदी समस्याओं को, विवादों को सुलझाने के लिए हम ट्राइब्यूनल्स बना सकते हैं, उसका यहां पे बात की गई, और साथ साथ बोला गया सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट क्वेश्चन द अवार्ड ऑफ द फंड, जो ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा, मतलब ट्राइब्यूनल कुछ निर्णय लेगा उस पर सुप्रीम कोर्ट सवाल नहीं उठा सकता, हाँ ट्राइब्यूनल की गतिविधि पर सवाल उठ सकता है, ओके। जो भी ट्राइब्यूनल निर्णय लेगा उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं देगा। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन गेट अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, ओके, अंतरराज्यीय नदी विवाद ट्राइब्यूनल के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही है गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट उनके द्वारा लिए गए निर्णय को, जो भी डिसीजन है जो है उसको नहीं पूछ सकता, सवाल उठा सकता, लेकिन न्याय सॉरी न्यायाधिकरण के कामकाज पे सवाल उठा सकता है, कैसे काम करें उनकी फेयरनेस के बारे में। इसके बाद देयर वर फर्दर व्हाट वी कैन से अमेंडमेंट्स आल्सो, ओके, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट में कुछ परिवर्तन भी हुए अकॉर्डिंग टू द सरकारिया कमीशन सजेशन, एंड उसका टाइम फ्रेम चेंज किया गया, 1 ईयर के अंदर फ्रेम करना और 3 ईयर के अंदर जो है डिसीजन देना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेम करने से लेकर निर्णय लेने का उस टाइम अब भी डालेगा कि ऐसा नहीं कि वो डिस्प्यूट चले जा रहा है, ओके, सो इट नीड टू बी रिजॉल्व, ओके, दैट इज समथिंग सजेस्टेड, ओके। सो नाउ वी आर सीइंग, वी हैव सीन द पार्ट कि डिस्प्यूट्स कहां कहां है, देश के नियम संविधान क्या कहता है, हाउ टू डील विद द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ओके, अंतरराज्यीय नदी विवाद को कैसे सुलझाना है। नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है द इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूनल्स, ओके। अब जरा मैं आपको फटाफट बताता हूं इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूनल्स के बारे में, बट उससे पहले आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग आप सभी की री एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए भी आप सभी के साथ खड़ा है। वी हैव प्रोवाइडेड फ्री एक्सेस टू ऑल द री एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, जिनको भी री एग्जामिनेशन देना है, दोज हु आर ऑलरेडी अवर ओल्ड स्टूडेंट्स, ओके, जो भी हमारे पुराने विद्यार्थी थे जून बैच के लिए, उन सभी को री एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए फिर से एक्सेस दे दिया गया है। बूस्टर कोर्सेज को फिर से रीस्टार्ट कर दिया गया, सो दैट प्रिपरेशन कंटिन्यू रहे, रिवीजन कंटिन्यू रहे, क्रैश कोर्स चलता रहे, एंड अलोंग विद दैट वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग ऑफर्स टू द न्यू स्टूडेंट्स, ओके, जो भी नए विद्यार्थी उनको भी ऑफर है कि आप दिसंबर कोर्स में एक्सेस लीजिए, अगर आप जून में क्रैक करते हैं एग्जामिनेशन, जून री एग्जामिनेशन में, ओके, इफ यू क्रैक द एग्जामिनेशन जून री एग्जामिनेशन, देन यू विल गेट 100% फी रिफंड फॉर द जीआरएफ,
एंड 80% फी रिफंड फॉर द नेट। तो नेट क्रैक हुआ तो 80% फी रिफंड और जेआरएफ क्रैक हुआ तो 100% फी रिफंड। ओके, सो ऑल द एडवांटेजेस इन योर हैंड। ओके, आपके फायदे हैं, पढ़ाई की पढ़ाई होगी, दिसंबर फाउंडेशन कोर्स से पढ़ेंगे, जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाएगा, जून फाउंडेशन कोर्स, लाइव बैच, दिसंबर एवरीथिंग की सबकी एक्सेस आपको मिल जाएगी इफ यू वॉन्ट टू अपेयर फॉर द री एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो इसके लिए आपको दिसंबर बैच में एनरोल करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन द टेक्सटबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। ओके, सो फाउंडेशन कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, सो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए इस नंबर पे कॉल करके, कॉल ऑन दिस नंबर एंड क्विकली टेक द सब्सक्रिप्शन। क्लासेस आर ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन 26 जून, 26 जून से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, सो सब्सक्रिप्शन लीजिए। जून वाले फाउंडेशन कोर्स से कवर कीजिए सिलेबस, जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स से रिवीजन कीजिए और दिसंबर का बैच देखिए, जो भी देखना है सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूनल। ओके, तो अभी हमने सारी चीजें देख ली कि क्या रूल्स रेगुलेशन है, व्हाट आर द डिस्प्यूट्स। नाउ All the important tribunals, okay? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 tribunals are there, okay? Total 9 tribunals hai, starting with the Godavari. यहां से match the following question भी आ सकता है या फिर arrange the following भी आ सकता है, okay? कि कौन सा dispute, कौन सा state? Dispute name, state name. Dispute name, state name. So Godavari, first of all, 1969, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka. Then Krishna water river daughter dispute twice, 1 and 2. Krishna का दो बार है, part 1 and part 69. And 2004, then Ravi Tribunal, Narmada Tribunal, Kaveri, Vanshadhara, Mahadai and Mahanadi. Okay, so Mahanadi is the latest, सबसे latest जो tribunal बनी है. The latest river water tribunal is basically constituted in March 2018. Okay, March 2018 में सबसे latest river water dispute tribunal बनी है, and which is basically a dispute between Chhattisgarh and Odisha. Chhattisgarh Odisha का dispute है, ठीक है? चलिए, सो दीज आर द नेम ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूनल्स, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। एंड रिवर एक्टिव इंटर वॉटर बेसिकली रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स जो अभी एक्टिव है, ठीक है? कुछ के तो डिसीजन आ गए, जैसे कि गोदावरी का डिसीजन आ चुका है, ठीक है, नर्मदा का डिसीजन आ चुका है, बेसिकली कृष्णा वाटर डिस्प्यूट पार्ट वन का डिसीजन आ चुका है। तो कुछ के डिसीजन ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ के अभी भी पेंडिंग है, एक्टिव है, जैसे कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट पार्ट वन, महानदी, महादई, रावी बीन्स, वसुंधरा, इनके। ओके, सो इन 9 में से, ओके, आउट ऑफ दिस 9, 5 आर स्टिल एक्टिव, ओके, इन 9 इंटरस्टेट ट्राइब्यूनल, अंतरराज्य ट्राइब्यूनल में से 9 जो है वो अभी भी, सॉरी 5 जो है अभी भी काम कर रही है और इनके डिसीजन अभी आना पेंडिंग है, ठीक है, दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग। ओके, चलिए, सो आई होप कि विद इन दिस 10 टू 12 मिनट सेशन, ओके, 10 से 12 मिनट में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर की है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स आल्सो एंड डू सब्सक्राइब टू द टेक्सटबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। ओके, और बाकी क्लासेस के टाइमिंग याद रखिएगा, स्टे कनेक्टेड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्टेड रहिए, फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ है, सो क्विकली ज्वाइन बिकॉज 26 तारीख से कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आपका है, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड ऑन द टेलीग्राम, स्टे कनेक्टेड ऑन द टेक्सटबुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट री एग्जामिनेशन एज वेल एज द दिसंबर एग्जामिनेशन। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Before leaving the class, do like the session, share the session and subscribe to the Textbook Super Coaching platform और comment में बताइएगा जरूर कैसा लगा ये lecture, okay? और अगर आपका कोई doubt है तो वो भी बताइएगा, ठीक है? Bye bye, thank you.